बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद असलम, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट फर्स्ट वेब पेज। वी आर स्टडिंग द स्टेप्स, यानी कि हम इस आज के लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि हम वो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कि हम एक वेब पेज बनाएं, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैंने आपके जो जहन से करीब करीब हों उस तरह से आसान करके ये स्टेप्स लिखने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई प्रैक्टिकल सप्लीमेंट भी साथ एक आपको दूँ वीडियो बना के, ताकि आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं स्टेप्स की तरफ। देखिए, जब हम वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ टैग्स पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे, तो वेब पेज बनाने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। एडिटर का मतलब ये काट छांट करने वाला, यानी ऐसी विंडो जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख लें, मिटा लें यानी डिलीट कर लें, कोई लाइन अगर गलत हो, कोई लाइन में तब्दीली करनी हो अपडेट कर लें, और बाज़ एडिटर लिंक भी करने की सहूलत देते हैं, कंपाइल करने की भी सहूलत देते हैं, और प्रोग्राम को रन करने की भी सहूलत देते हैं, बट नोट पैड हमें जस्ट फैसिलिटेट करेगा टू जस्ट राइट द कोड ऑफ HTML, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम इसमें फाइल सेव करके किसी जगह पे स्टोर करके याद रखेंगे हमने फाइल कहाँ स्टोर की है। फिर हम वेब ब्राउज़र खोलेंगे। अब बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर तो विंडोज़ के साथ ही बिल्टन आता है, और इसके अलावा मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, और भी बहुत सारे हैं वेब ब्राउज़र्स। तो अगर एक वेब ब्राउज़र में कोड सही तरह कंटेंट्स ना नज़र आए, तो दूसरे वेब ब्राउज़र में खोलें तो उसमें उससे कंटेंट्स नज़र आ जाते हैं। उसकी वजह यह कि बाद जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो HTML के कुछ टैग्स को सपोर्ट नहीं करते और कुछ करते हैं, तो आप वेब ब्राउज़र भी चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन फाइल वही रहेगी। अगेन आइए, मैं इस बात को रिपीट किया, अगेन आई रिपीट ऑल द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन नोटपैड। नोटपैड अगर आप रन स्टार्ट क्लिक करें और देन रन के अंदर नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड जो ही स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, इकट्ठा लिखना, स्पेस नहीं देना, तो मेन्यू में नोटपैड लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने टाइप करना है HTML कोड। आप जब सीख रहे हैं, आप जो कुछ टैग्स अभी हमने पढ़े हैं और भी हम पढ़ेंगे, तो वो टैग आप अपनी मर्जी से 2 या 3 या 4 या 5, जितने आप 10-20 जितने आप टैग, यानी जिस तरह की आप पेज बनाना चाहते हैं वो टैग्स उसमें लिखें। लिखने के बाद एक अहम तरीन जो स्टेप है वो उसको सेव करने का है। जब आप उसको सेव करें, सेव इट विद HTML एक्सटेंशन, आप उसको जो मर्जी फाइल का नाम दें, कोशिश करें फाइल का नेम शॉर्ट नेम होनी चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग फाइल का नाम रखें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन डॉट लगाने के बाद जब आप सेव प्रेस करेंगे ना बटन, जब इसको आप सेव फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, तो डायलॉग बॉक्स आएगा, नीचे लिखा होगा फाइल नेम, तो यू हैव टू टाइप द फाइल नेम। ऊपर लोकेशन लिखा होगी, लोकेशन लिखी हुई होगी, वहाँ से आप सी पे चले जाएं, डी पे चले जाएं, जहाँ मर्जी लोकेशन भी सेट कर लें, फाइल का नाम भी टाइप करें। और ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि फाइल का नाम जो मर्जी रखें, कोशिश करें फाइल का नाम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने रखा, मैं मिसाल अभी देता हूँ आपको, लेकिन उस फाइल के एंड पे .htm या .html पूरा होना ये लिखना लाजमी है। तो फाइल का नाम प्लस .html, दिस वन इज अ कंप्लीट फाइल नेम। अदरवाइज अगर आप फाइल का नाम पाकिस्तान, फर्ज करें पाक रखते हैं फाइल का नाम, या MUL रखते हैं, या इंडेक्स रखते हैं, और साथ HTML नहीं लगाते, या HTML लगाते हैं और ओपन करते हुए आप HTML नहीं लिखते, तो फाइल ओपन नहीं होगी, वो डिफरेंट फाइल को समझेगा, उसको कंसीडर करेगा। इसकी मिसाल मैं दे दूं, फर्स्ट करें कि हमने फाइल का नाम रखा फर्स्ट डॉट
रहे हैं, जब हम कुछ लैंग्वेज हैं हमें सारा कुछ टाइप करना पड़ता है, ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं टाइप्ड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज हमें सहूलत नहीं देती कि हम एक कोई टैग लिखें या कमांड लिखें तो उसके एलिमेंट या सॉरी एट्रीब्यूट्स भी डिस्प्ले करे, और ऐसी बात होती जो जिसमें सारा हमें खुद से ए टू जी लिखना पड़ता है। फर्स्ट डॉट एचटीएमएल और इसके दरमियान स्पेस अलाउड नहीं है। आप जब सेव कर चुके हैं, मैं दोबारा इस तरफ आता हूँ, इस ई की तरफ ही आइकन लग जाएगा इसके ऊपर लगा होने तो नहीं आएगा, मैं पूरा प्रोसेस करूँ दोबारा इधर आता हूँ, तो इसमें इसको फिर ओपन करेंगे वेब ब्राउजर, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लें, मोज़िला फायरफॉक्स खोलें, फिर उसके अंदर फाइल के मेन्यू में जाएं और उसमें ओपन पे क्लिक करें, तो जहां आपने फाइल सेव की थी उसको लोकेट करें और ओपन प्रेस करेंगे फाइल खुल जाएगी। जो ही वेब ब्राउजर में फाइल खुलेगी तो जो आपने लिखा होगा वेबसाइट के अंदर वेब पेज के अंदर वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एक अहम बात, अगर आपने इसको सी पे स्टोर किया है या डी पे स्टोर किया है तो माई कंप्यूटर के जरिए इसको जाकर खोल के देखें, अगर तो इस फाइल के नाम के ऊपर आइकन ई का बन गया है तो दिस इज कंफर्म दैट इट इज अ इंटरनेट एक्सप्लोरर फाइल, यानी ये एचटीएमएल की फाइल है। अगर ये नहीं आया आइकन, दिस मीन आपने एचटीएमएल की एक्सटेंशन सही नहीं दी, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोग्राम फुल फ्लैज लिखेंगे, पहला वेब पेज बनाने का हम कोड लिखेंगे, स्टेप्स मैंने पहले बता दिए। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर कोई इंक्वायरी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वस्सलाम।